Hello everyone, welcome back to my sales classes. So today is 27th of May and we are going to discuss today's current affair. So let's start. So our first current affair is World Schizophrenia Day is celebrated on 24th of May. देखो हम ना क्वेश्चन के पैटर्न में नहीं कर रहे हैं, अब हम डायरेक्ट करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एज ए वन लाइनर पढ़ रहे हैं सारे करंट अफेयर्स को, ठीक है. सो वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे कब मनाया गया? 24th ऑफ मे को, ठीक है. और ये क्या है, ये इसको जान लेते हैं. सो ये एक मेंटल डिसऑर्डर बीमारी है जिसके सिम्टम्स हैं जैसे रिमेनिंग अलूफ, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना और एमलेस ना होना और सोशल विड्रॉल करना, मतलब अपने आप को सोशल से दूर रखना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना होना, मटरिंग एंड स्माइलिंग टू सेल्फ, ठीक है. तो आपको पता है ना ये इल्यूजिनेशन, और बोलते हैं ना कि जैसे कोई बंदा एक इमेजनरी बॉडी ऐसे सोचता है कि हम मेरे साथ कोई इमेजनरी बॉडी है, सो उसको बोलते हैं कौन सा डे, वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया का मतलब समझ में आ गया. तो सिज़ोफ्रेनिया डे कब मनाया गया? 24th ऑफ मे. सो नेक्स्ट वन, अभी 24th को वो मनाया गया. 25th ऑफ मे को क्या मनाया गया? वर्ल्ड थायराइड डे, ठीक है, वर्ल्ड थायराइड डे. थायराइड पता है आपको, ये जो हमारे हमारे गले नेक में होता है, ठीक है, सो वोकल कॉर्ड, वहाँ पे वर्ल्ड थायराइड डे, ठीक है. नेक्स्ट, एंड रिसेंटली 25th ऑफ मे को एक और डे मनाया था, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल मिसिंग डे, ठीक है. वो कब से स्टार्ट हुआ था मनाना? 1983 से, ठीक है. नेक्स्ट, तो एक बार हम इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं जो मई में सेलिब्रेट हुए हैं. देखो 1st ऑफ मे को इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे. 2nd मे को टूना डे, वर्ल्ड टूना डे, एस्ट्रोनॉमी डे. 3rd मे को प्रेस फ्रीडम डे, लाफ्टर डे, इंटरनेशनल डाउन जॉयर्स डे, ठीक है, कोल माइनर्स डे और फायर फाइटर्स डे 4th ऑफ मे को. देन 5th ऑफ मे को मनाया था इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, हाइजीन डे और आस्थमा डे. 7th मे को एथलेटिक्स डे और BRO राइजिंग डे. 8th मे को रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे. 9th मे को माइग्रेटरी बर्ड डे. 9th मे को माइग्रेटरी बर्ड डे डिस्कस कर लिया हमने. 11th मे को नेशनल टेक्नोलॉजी डे. 12th मे को इंटरनेशनल नर्सेस डे. और 15th मे को इंटरनेशनल फैमिली डे और नेशनल इंडेंजर्ड स्पेसिस डे, ठीक है. 16th ऑफ मे थोड़ा इंपॉर्टेंट है. 16th ऑफ मे को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टूगेदर, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, नेशनल डेंगू डे, सिक्किम डे, आर्म्ड फोर्सेस डे, ठीक है. 17th को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे. और नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंशन डे. देन 18th ऑफ मे को वर्ल्ड एड्स डे, वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ठीक है. इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18th को. देन 20th को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे. 21st मे को इंटरनेशनल टी डे, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, 21st मे को, इम्पोर्टेंट है. एंड 22nd ऑफ मे को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. 23rd मे को टर्टल डे, इंटरनेशनल डे टू एंड. और 24th मे को कौन सा, मैंने अभी आपको बताया, वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे, और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस. और 25th को वर्ल्ड थायराइड डे और इंटरनेशनल मिसिंग डे, ठीक है. सो नेक्स्ट करंट अफेयर इज HIL कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई, ठीक है. सो उसने क्या करा है, उसने 25 टन्स सप्लाई करे हैं पेस्टिसाइड्स टू ईरान कंट्रोल लोकस्ट वर्जन. लोकस्ट क्या होते हैं, देखो लोकस्ट मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, ये होते हैं लो कॉस्ट, ठीक है. इन्होंने ये ईरान से उड़ के हमारे इंडिया, पहले पाकिस्तान फिर इंडिया, अब ऐसे वो इंडिया की तरफ आ गए. इनसे नुकसान क्या है, तो इनसे नुकसान देखो, ये फार्मर्स हैं जो इनकी खेती को नुकसान करते हैं, ऐसे क्रॉप्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरा. सो HIL ने, दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, उसने क्या करा है, ईरान को सप्लाई करें क्या 25 टन्स पेस्टिसाइड्स, ठीक है, लो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट, तो बात करें ईरान की. सो ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान. और प्रेसिडेंट कौन है, हुसैन रूहानी. और करेंसी क्या है, ईरानियन तोमन. अभी रियाल से चेंज करी इन्होंने तोमन, ठीक है. तो नेक्स्ट वन, हेना किमुरा जैपनीज रेसलर हैं एंड स्टार ऑफ नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स पे स्टार भी है और जैपनीज रेसलर हैं. डाइज एट 22 के एज में मर गई. ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये इनकी डेथ हो गई अभी, ठीक है. कौन थी ये, हेना किमुरा, और जैपनीज रेसलर थी, ठीक है. सो जिनको आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये हैं गीगी सिमोनी. कौन है, गीगी सिमोनी,
गिगी सिमोनी कौन थे? देखो ये बेसिकली इटालियन फुटबॉलर थे और ऑफिशियल प्लेयर भी थे और मैनेजर भी थे, ठीक है, टीम को मैनेज भी करते थे. सो इनकी भी डेथ हो गई है रिसेंटली, ठीक है. कौन है? गिगी सिमोनी, ठीक है, गिगी सिमोनी याद रखना है, इटालियन थे, इटालियन, ठीक है. नेक्स्ट, ट्रेवल फ्रॉम ब्राज़ील टू US इज़ नाउ बैंड. सो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने, US के प्रेसिडेंट ने, ब्राज़ील से आने वाले जो भी ट्रेवलर्स थे, जो भी पर्सन्स थे, जो भी यात्री थे, उन सबको मना कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है. सो अब उनके US में एंट्री नहीं होगी, ठीक है. नेक्स्ट, सो IBM साइंटिस्ट राजीव जोशी विंस NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड. अब इसके बारे में बताता हूँ मैं. देखो आप ये पिक्चर देख के समझ पा रहे हो, IBM में ही काम करते थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, राजीव जोशी इनका नाम था, और अवार्ड कौन सा मिला इनको? इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है. अब बात करते हैं अवार्ड के बारे में. सो देखो, डॉक्टर जोशी वर्क्स एट IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में था ये, ठीक है, और ये अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है? NYIPLA, फुल फॉर्म क्या है? न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, ठीक है, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन. सो ये जिसको भी मिलता है उसको कितना वो मिलता है, अवार्ड कितना मिलते हैं? $5,000, ठीक है, विनर को. तो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो NYIPLA के प्रेसिडेंट कौन है? कॉलमन बी रंगन. और NYIPLA की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? March 7, 1922, ठीक है. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वन इज हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्चेस मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम करी है इन्होंने. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अलग अलग क्रॉप्स को उगाना, ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स की ग्रोन अप करना. देखो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ. ये देखो मेरा पानी मेरी विरासत किसने करी है? मनोहर लाल खट्टर ने, कहाँ के? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं. सो हुआ क्या है, जो हरियाणा में ना लोग चावल की खेती एक ही फील्ड पे बार बार राइस की खेती कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था? उससे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे जैसे सोडियम पोटेशियम, ठीक है, जो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे, ठीक है, नाइट्रोजन, सो इनसे क्या हो रहा था? ये खत्म हो रहे थे परमानेंटली, क्योंकि एक ही चीज़ की बार बार उगान, एक ही चीज़ की बार बार ग्रोन अप करने पे वो मिनरल्स परमानेंटली खत्म हो रहे थे और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, ठीक है. सो इन्होंने लिखा है, धान की फसल से मिलने वाला धन तो पानी की तरह बह जाता है, परंतु धान उगाने में लगने वाला भूजल कभी वापस नहीं आता. धान उगाने के चक्कर में अपनी आने वाली पीढ़ियों को के पानी जैसे अमूल्य धन को बर्बाद ना करें. सो ये इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट, सो ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्थ इंडिया वॉज हॉटेस्ट रीजन. नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी थी ट्यूसडे को, ठीक है, और दिल्ली में क्या रिकॉर्ड हुआ है? वार्मस्ट डे इन 18 ईयर्स, पिछले 18 सालों में सबसे गर्म दिन वो हुआ है रिकॉर्ड. अब देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ. सो इस मैप के थ्रू आप देख पा रहे हो, कंफर्टेबल टेम्परेचर है वो ग्रीन ग्रीन में है, तो वो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, बस. और हीट टॉलरेबल फॉर जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक के लिए थी वो कौन कौन सी टॉलरेबल थी? ये यहाँ जो येलोइश पार्ट है, ठीक है, ये जनरली थी इतनी, ठीक है. लेकिन जो लाइकलीहुड ऑफ हीट ऑफ इलनेस, जो इलनेस हो रही थी जिसकी वजह से, वो ये था, नॉर्दर्न में आ रहा अपना ये आ रहा है. अब देखो ये सारे, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी बहुत बीमारी हुई. अब एक्सट्रीम केयर रिक्वायर्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी पड़ी है, वो को रेड वाला देखो, जहाँ पे रेड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट थी, ठीक है. सो ये डाटा कब का है? 25th of May और 26th of May, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट, सो इंडिया बिल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी इंडिया ने बिल्ड करा, और किसके लिए करा है? युगांडा के लिए. सिर्फ इतना ही याद रखें, इंडिया ने जो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी है डिफेंस के लिए वो किसके लिए करी है? युगांडा के लिए. युगांडा की लोकेशन देखो आप यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है. इंडिया अफ्रीका में, इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, साउथ सूडान, सोमालिया, केन्या, वहीं पर है युगांडा, ठीक है, युगांडा. गॉट इट? नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वन इज़ UP टू सेटअप माइग्रेशन कमीशन. उत्तर प्रदेश ने अभी एक माइग्रेशन कमीशन लॉन्च किया है, ठीक है. सो किसके लिए करा है? वो लेबर्स के लिए करा है, ताकि उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, उनको जॉब्स मिले, ठीक है, और उनको इंश्योरेंस मिले, ठीक है, जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स उनके लिए, ठीक है. यूपी ने अभी रिसेंटली और क्या क्या किया था? आयुष कवच कोविड ऐप भी किया था, स्टार्टअप फंड भी किया था, और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी किया था, ठीक है. यूपी ने बहुत कुछ कराया भी. यूके के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल. सो नेक्स्ट वन इज क्लेमेटरी सेस ऑन GST. सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, उसको क्या बोलते हैं?
सेस। ठीक है, समझ में आ गया। सो जीएसटी में अभी एक और जीएसटी के थ्रू, जीएसटी के ब्याह पे एक सेस टैक्स लगाया जा रहा है, किस पे? क्लेमिटी पे। ठीक है, सो किसने प्लान कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, कोविड क्राइसिस की वजह से, पेंडेमिक की वजह से। सो ये थे आज के करंट अफेयर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।